आज की जो रेसिपी है ऑयल फ्री रेसिपी है। ये बस चार आलू और एक कप चावल के आटे से बना हुआ है। तो चलिए देख लीजिए आज की रेसिपी, फुल वीडियो देखिएगा तब भी आपको अच्छे से पता चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ नीतू, और नीतू देसी लाइफ स्टाइल कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए देख लीजिए आज की रेसिपी। तो राइस बॉल बनाने के लिए देखिए यहाँ पे लिया हुआ है हमने चावल का आटा, ये एक छोटा कटोरी चावल का आटा है। और यहाँ पे शिमला मिर्च, अदरक और प्याज मैं काट के ले ली हूँ। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटे में हम डालेंगे नमक और गरम पानी से हम इसे मिक्स करेंगे। गरम पानी हमने पहले ही करके रख लिए थे और उसी गरम पानी से इसको हम रोटी के आटा की तरह सान लेंगे, गूंथ लेंगे, जो भी आप बोलते हो। और इसको देखिए अभी गरम है ना, तो हाथ से थोड़ा सा हाथ जल रहा है, तो इसलिए हमने स्पैचुला के हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा करके, और अभी ये ठंडा हो गया है तो इसको चलिए अब हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आराम आराम से इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आटा हो गया है तैयार, तो चलिए इसको हम ढक के छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए चावल भिगो के मैं रखी हुई थी। और यहाँ पे अब चलिए हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आलू का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल लिए हैं तेल, जीरा और कड़ी पत्ता। अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालकर हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं ये मसाला, मतलब जो आलू मिक्स है, आलू मैसा हुआ है, मैस किया हुआ आलू जो है उसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। अब आलू का मसाला तैयार हो गया है और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ। पानी में थोड़ा सा नींबू डाली हूँ ताकि कढ़ाई काला ना पड़े। और यहाँ पे एक जाली वाला थाली ले ली हूँ और इसमें थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ थाली में। और अब देखिए इस तरह से आटे का बॉल लेना है और इसमें जो आलू का मसाला है ना उसको भरना है, फिल करना है, और गोल गोल जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना उस तरह से इसको गोल कर लेना है। और देखिए बिल्कुल गोल ही रखना है इसे। और ये जो चावल है ना दोस्तों, जिसमें मैं देखिए इसको अभी लगाऊंगी, चावल ले जो लगा रही हूँ मैं, ये 4-5 घंटे भिगोए हुए चावल हैं। तो इससे क्या होगा कि चावल हमारा जो स्टीम करेंगे बॉल को, तो चावल भी पक जाएगा। चावल कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप खाओगे तो आपका पेट दुख सकता है। तो चावल को पहले से भिगा लीजिए 4-5 घंटे, तो बिल्कुल भी 5 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे बॉल बना लिए हैं। और यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था तो इसमें मैं रख दी थी 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। 5 मिनट 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट धीमी आँच पर पकने के बाद ये तैयार हो गया है। तो चलिए इसे उतार लेते हैं। और यहाँ पे गैस से उतार ली हूँ मैं, तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। आप हरी चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में उस दिन शाम को हरी चटनी बनी थी, तो हम लोग फिर बाद में खाए थे चटनी के साथ। उस टाइम जिस टाइम हम ये रेसिपी बनाए थे उस टाइम पे हरी धनिया नहीं थी मेरे घर में, नहीं बना पाए थे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। कैसा लगा रेसिपी ज़रूर बताइएगा।